अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जो स्टू बनाएंगे वो बड़ा धमाकेदार है। आपने शायद इससे पहले ऐसा स्टू नहीं खाया होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने 50 ग्राम ऑयल डाल दिया है, आप इसको घी में भी बना सकते हैं। और ये 400 ग्राम प्याज है। खड़े मसाले ऐड करेंगे। यह हाफ टी स्पून काली मिर्च है, 6 छोटी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 तेज पत्ता है और 5 लौंग है। इसको हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। ये स्टू बहुत मजे का बनता है और इसमें कोई खास मसाले भी नहीं ज्यादा जाते हैं। टमाटर, गरम मसाला कुछ नहीं जाता, बस इसमें थोड़े से खड़े मसाले जाते हैं। देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, बस हमको इतना ही कलर करना है। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। तो ये हमारा 500 ग्राम मटन है, आप बीफ में भी बना सकते हैं। ये 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 4 से 5 हरी मिर्च है जो हमने इस तरह से क्रश कर लिया है। ये 1 टीस्पून पीली मिर्च का पाउडर है। ये 1 टीस्पून दही डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। एक टीस्पून भर के नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, हम इसको बाद में चेक कर लेंगे नमक को। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 1 गिलास। इसको गलने तक ढक के पकाएंगे और बीच बीच हम इसको चलाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि गोश्त गल गया कि नहीं। देखिएगा अच्छे से गोश्त गल गया। अब हम गैस की फ्लेम को तेज करके इसकी भुनाई कर लेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी वीडियो कैसी लगती है ये हमें जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। 1/2 टीस्पून हम इलायची का पाउडर डालेंगे। ये जैसे जैसे भून रहा है इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए बहुत अच्छे से गोश्त भून गया है ये। अब हम थोड़ा सा अब हम पानी डालेंगे इसमें, बस 1 टेबल स्पून डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। और 1 बॉयल आने तक इसको पका लेंगे। देखिए इसमें बॉयल आ गया। अब हम इसकी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। प्लीज हमारी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। और कैसी लगी ये रेसिपी आपको ये हमें जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।